नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवैध संबंध के झूठे आरोपों से आहत महिला ने उठाया खौफनाक कदम, जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश परिजनों ने बचाया। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात थाना देवराहट क्षेत्र के चैन का पुरवा गाँव का है, जहां विगत कुछ दिनों पहले गांव के अवधेश कुमार के चाचा देवेंद्र सिंह के साथ गांव निवासी राकेश कुमार और उनके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसको लेकर अवधेश कुमार के चाचा ने देवराहट थाने में आरोपी राकेश कुमार के साथ उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसी खुन्नस के चलते राकेश कुमार ने एसपी कानपुर देहात को अवधेश कुमार की पत्नी और थाने में तैनात समरत सिंह दीवान के बीच अवैध संबंध होने का झूठा प्रार्थना पत्र देते हुए महिला की मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जहां महिला ने एसपी कानपुर देहात को बताया कि मैं थाने में तैनात समरत सिंह को ना तो जानती हूँ और न ही पहचानती हूँ। इसके बावजूद इन लोगों ने पुराने खुन्नस के तहत हमारे और समरत सिंह दीवान के बीच अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया और मैं गांव में हंसी की पात्र बन गई। महिला ने इसी बात से आहत होते हुए जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। जानकारी मिलने पर परिजनों ने महिला को बचाया। जी हां, आपको बता दें पीड़ित अवधेश कुमार ने अपनी पत्नी के साथ एसबी कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र देते हुए पूरी घटना से अवगत कराया, जहां पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने पीड़ित महिला को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। अच्छा, किस तरीके से राकेश कुमार ने आप पे आरोप लगाए हैं? इल्जाम लगा रहा है साहब, हम उनको जानते तक नहीं है, ना हम कभी देखा, ना कभी जानते हैं, ये बस झूठी उड़ा रहे हैं। आप समर सिंह को नहीं जानती हैं? कभी देखते तक नहीं, जानते तो बहुत दूरी की बात है। अब आप क्या चाहती है? प्रार्थना पत्र दिया गया तो क्या अधिकारियों ने कार्रवाई की? बोला है, चाहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा लिखवाना है, गलत जैसे बदनाम किया तो इसको बस यही है कि इसको मुकदमा लिखा जाए। आपको गलत तरीके से आपको बदनाम किया गया? गलत तरीके से बदनाम किया। सर, जानकारी मिल रही थी कि आपने कुछ परसों कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, जैसे कि आत्महत्या करने की कोशिश? हाँ साहब, इनकी जो भी है, जो भी देखता है तो वो जीने नहीं देता, कहता ये है वो है फलाना है, तो हम उन्हें जब हम जानते तक नहीं है तो साहब हम क्या करें। आस पड़ोस के लोग हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। क्या नाम भैया? अवधेश कुमार। कहाँ रहते हैं? ग्राम चैन का पुरवा। अच्छा, आज आप एसपी आज आए हैं, क्या मामला है, किस मामले के लेकर आए? मामला सर ये है कि हमारी जो वाइफ है रामदेवी और राकेश कुमार ने हमारी वाइफ और समर सिंह के खिलाफ ये गलत अपलोड लगाए हुए हैं कि उनके नाजायज संबंध में सर, क्यों इस वजह से क्योंकि 3 महीने पहले मैं मेरी वाइफ नल पे पानी भरने गई थी, राकेश ने वहाँ पे गाली गलौज की और हमारे बर्तन फेंक दिए, तो हमने एक थाने में प्रार्थना पत्र दिया था जाके, उस आधार पे थाने से फोर्स आया और इनकी मोटर निकलवा दी। मोटर निकलवाने की खुन्नस की वजह से, राकेश ने पुरानी दुश्मनी की वजह से हमारी वाइफ के और समर सिंह दीवान के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा हुआ है। अच्छा, आज कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? कप्तान साहब ने डायरेक्ट और आज देवराहट एसओ को कॉल करके बोल दिया तुरंत राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।